देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS बिहार समाज कल्याण विभाग के आदेशानुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 20/7/2023 को सामाजिक अंकेक्षण किया गया। जाना था जो बांका जिले के धुरैया प्रखंड के कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण किया गया। सरकार के द्वारा चलाई गई योजना घर घर पहुंचने को लेकर जानकारी वार्ड की अध्यक्षता में बैठक करते हुए सरकार की मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई, जिसमें प्रमुख केंद्र नंदागुला, केंद्र संख्या 218, 199, 210 कुसमी सेविका पूनम कुमारी धुरैया, सेविका लक्ष्मी देवी केंद्रों पर प्रमुख रूप से देखने को मिली, जिसमें केंद्र संख्या 218 बटसार पंचायत की नंदगौला सेविका कंचन कुमारी के द्वारा वार्ड की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से सुपरवाइजर श्वेता कुमारी के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकार के द्वारा मिलने वाली सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। विकास मित्र संजय दास, प्रधानाध्यापक कपिल देव शाह, ग्रामीण महिलाओं, किशोरी, गर्भवती धात्री मौजूद हुए। गर्भवती महिलाओं का नाम प्रति कुमारी, साक्षी कुमारी, फुदो कुमारी, राजकुमारी, दिलकश खातून, शहाना खातून, धात्री महिलाओं चांदनी कुमारी, काजल कुमारी, शबनम खातून, रूबी खातून, किशोरी बालिका का नाम बिंदु कुमारी, अंशु कुमारी, चंपा कुमारी, सपना कुमारी, गीता कुमारी, अमृता कुमारी, गांव की बुजुर्ग महिला रुकमणी देवी, प्रतिमा कुमारी, चंपा कुमारी, कागज कुमारी आदि मौजूद थे। देखिए संवाददाता रंजन के साथ सीपक कुमार की रिपोर्ट। पहली बार गर्भवती होती है उसके लिए एक फॉर्म जमा होता है हमारे आंगनबाड़ी सेंटर पर से। वो सेविका को आप लोग बताते हैं, जैसे सेंटर पे टीकाकरण होगा तो उसमें वो रजिस्ट्रेशन होता है सेविका का, आपका रजिस्ट्रेशन सेंटर पे होगा। टीकाकरण फर्स्ट टीटी जिस समय लेते हैं उसी समय आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वो जो है ANM के पास एक RCH नंबर जनरेट होगा और वही RCH नंबर जो है सेविका एक फॉर्म में भर करके हम लोगों के ऑफिस में जमा करेगी। वो 5,000 रुपया आपको उसके लिए मिलेगा। जब कोई भी लड़की पहली बार गर्भवती होती है तो उसका 2 बार में पैसा मिलेगा, एक बार में नहीं मिलता है। वो फर्स्ट बार जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके लिए 3,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद अगर उसका बेबी स्वस्थ जन्म ले लेता है तो उसके लिए फिर उसको एक अतिरिक्त राशि मिलता है 2,000, टोटल 5,000। और आजकल सरकार का फिर से एक नया योजना स्टार्ट हुआ है, इसमें क्या है ना कि अगर वही गर्भवती जब पहली बार गर्भवती हुई तो उसको पैसा मिला, वो अब लड़का हुआ कि लड़की हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरी बार जो अगर लड़की होती है तो उसको फिर से 6,000 रुपया मिलेगा। टोटल 11,000 रुपया आपके सेंटर पर से मिलेगा, आपको मिलेगा सरकार की तरफ से। अगर आप अपना सही समय पर सारा डाटा सेविका को देते हैं, अपना फॉर्म भरवाते हैं तो उसके एवज में आपको मिलेगा। उसमें आपको देना क्या है, जो गर्भवती होती है पहली बार वो अपना आधार कार्ड देगी, खाता संख्या देगी अपने पति का, और खाता बिहार का होना चाहिए, आधार कार्ड में आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और पति का आधार कार्ड देगी। ये 3 फॉर्म और टीकाकरण कार्ड जो उन लोग सुई लेती है, और आजकल एक आया है ई श्रम कार्ड, एक बनवा लीजिए ना आप लोग। और ये 4 प्रकार का डॉक्यूमेंट लेकर के आप सेविका के पास जमा कर दीजिएगा। यहाँ से सेविका फॉर्म भर करके उसको ऑफिस में देगी, जिसका कि रजिस्टर भी मेंटेन करती है, और ऑफिस से उसको हम लोग ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद ऑनलाइन करने के बाद 3-4 महीना के बाद आपको पैसा मिलेगा। और एक और आया है कन्या सुरक्षा का फॉर्म, उसमें भी क्या होता है 0 से 1 साल का बच्चा, जो लड़की पहला बच्चा जो होता है, अगर पहले लड़का हो गया तो उससे मतलब नहीं, लड़की अगर पहला होता है उसके लिए फॉर्म भराता है। 0 से 1 साल का जो लड़की होगी वो उसके लिए फॉर्म भराएगा। उसका बच्ची का माँ का आधार कार्ड लगेगा, माँ का खाता लगेगा और ये टीकाकरण कार्ड लगेगा। बच्ची के लिए कोई उसका ना आधार कार्ड लगता है और ना ही बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा 0 से 1 साल के लिए। वो फॉर्म भर करके आप सेविका को दीजिएगा, वो भी सेविका वहाँ पे जमा करती है और उसके बाद उसी बच्चे का फिर से फॉर्म आएगा 1 से 2 साल के लिए। उसमें आपको बच्चे का आधार कार्ड लगेगा और माँ का बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, और पहले से चूंकि हम दिए हुए हैं माँ का खाता, माँ का आधार, ये 5 डॉक्यूमेंट और टीकाकरण कार्ड, ये 5-6 डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आप पेपर सही समय पे हमको देते हैं, सेविका ऑफिस तक देती है, वहाँ से ऑनलाइन होता है और सही समय पे आप लोगों को ऐसा होगा।
आप लोग तो फॉर्म भरे हैं यहाँ से, फॉर्म हम भरे हैं यहाँ पे कन्या सुरक्षा, तो और भी इन लोगों को, क्योंकि ये 6,000 वाला स्कीम इधर स्टार्ट हुआ है, हमको लगता है फरवरी मार्च से भर करके